गंजबासुदा पुलिस द्वारा चना चोरी के मामले में सात आरोपियों में से चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि कुछ समय पहले हुई एक चना चोरी की वारदात में तफ्तीश करते हुए मुरैना से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले में अलग अलग स्थान पर हुई कुल तीन चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया गया है। ये एक 18 फरवरी 2024 को गंजबासौदा थाना क्षेत्र में रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये पता चला था कि एक वेयर हाउस से चने को जो है नकबजनी करके और उसके ताले तोड़ के और चने की कुछ बोरियों को चोरी किया गया है। उसके बाद पुलिस टीम ने लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि इसमें पता चला था कुछ ट्रैक इस प्रकार की घटनाओं का आ रहा था, कुछ और घटनाएं इस प्रकार की विदिशा में हुई थी। तो लगातार पुलिस ने इसमें जांच की, टेक्निकल जांच की, और लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिससे ये शक हुआ कि ये काम पर्टिकुलर गैंग ने किया है, और इसके लिए हमारी टीम फिर एक बनाई गई और वो टीम गई। सस्पेक्ट को मुरैना जिले से हमको पकड़ा गया। ये चार आरोपी गिरफ्तार हुए और इन चार आरोपी गिरफ्तार करने पर जब उनसे पूछताछ की गई तो ये घटना और इससे मिलती जुलती दो और घटना है विदिशा जिले की, कुल तीन वेयर हाउस चोरी घटनाओं का खुलासा इससे हुआ है। इन्होंने इसको कबूल करा और इसके बाद इनमें इनसे जो है इसमें फिर ट्रैक्टर ट्राली भी बरामद कर दिया गया और जो चना था वो उन्होंने बेचना बताया 21,000 रुपये नकदी उसके संबंध पर पक्ष में जमा जब्त की गई है। कुल सात आरोपियों के नाम इसमें खुलासे हुए हैं और इसमें से चार को अरेस्ट कर लिया गया है, तीन की अभी गिरफ्तारी की जाना, जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। आरोपियों ने जैसे बताया उनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार की थी कि आरोपी ट्रैक्टर ट्राली से आते थे, रखी करते थे पहले, उसके बाद ये पर्टिकुलर इनका चना जो है जो ग्रेन है उसको वेयर हाउस में जहाँ ये लोड है जहाँ पाया जाता था उस पर ये लोग रखी करके और नकब करके और अपने क्योंकि सात लोग थे तो मिलके उसको लोड करके ले आते थे और उसको बेचने का या बेचने का प्रयास करते थे। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है और पूरी गंजबासौदा पुलिस की थाना प्रभारी उनकी टीम ने एक बड़ी उपलब्धि इसमें हासिल की है, क्योंकि न केवल ये तीन चोरियां बरामद हुई है बल्कि आगे ऐसी अन्य चोरियां अन्य जिलों में भी होने की संभावना थी, इसमें प्रिवेंशन अच्छा हुआ है। पूरी टीम को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है।